हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक आदेश निकाला गया है। एनपीएस के संबंध में आप देख पा रहे हैं, ये आदेश है जो आपके पास में मिल चुका होगा आपको, जो कि 6 सितंबर को निकाला था, जिसके अंतर्गत एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 25% की राशि निकाली है, तो उनको वापस रिकवरी के रूप में जमा करनी होगी। रिकवरी के रूप में जमा करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से सालान जनरेट करके जमा करनी है, तो उसका अपन प्रोसेस समझेंगे कि जो एनपीएस की राशि 25% जिन कर्मचारियों ने निकाल दी है उनको किस तरह है जो वापस रिकवरी के रूप में पैसे जमा करने हैं। आपको टाइम पीरियड जो 31 दिसंबर 2022 तक का दिया गया है और 4 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। आज अपन इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें जिससे किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं छूट पाए। आज अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ई ग्राफ का चैनल बना हुआ है, जो टैब बना हुआ है साइड, उसको सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। उसके बाद में आप ई ग्रास के इस होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको साइन इन का टैब दिया हुआ है, वहाँ आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि कर्मचारी स्वयं अपनी ऑनलाइन ई ग्रास के माध्यम से कैसे चालान जनरेट कर सकता है, तो आपको सर्वप्रथम यहाँ पर न्यू यूजर, आपके पास में अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो न्यू यूजर के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे न्यू यूजर को अपन करेंगे तो आपको सिंगअप करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है वो फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी बनाना है स्वयं को, और यहाँ से आप चेक करना है अगर वो अवेलेबल है तो यहाँ पर बता देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ये जो आईडी बना रहे हैं वो ओके कर लेगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड जनरेट करना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद में आपसे संबंधित कुछ भी जानकारी है जो यहाँ डालनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट, सिटी डालना है, मोबाइल नंबर देना है, पिन कोड देना है, और आपका कोई अन्य पैन नंबर है या अन्य कोई व्हीकल नंबर है, टैक्स आईडी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और वहाँ से उसका आंसर देना है और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट करेंगे आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई भी करना है, और वहाँ से आपको आईडी भी पासवर्ड है जो आपके मोबाइल पे भी एसएमएस के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, और आप यहाँ से रिकॉर्ड के लिए रख भी सकते हैं लिख करके। जैसे आपने आईडी पासवर्ड कंप्लीट कर दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर सिंगिन का टैब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप आ जाएंगे इस यूजर आईडी पे, पासवर्ड पे और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर आपके यूजर आईडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं, आप मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी मिलेंगे, ओटीपी को वेरीफाई करना है और आपके पास में एसएमएस के माध्यम से आपके पास में पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आईडी करनी है फॉरगेट तो आईडी भी यहाँ से देख पा रहे हैं, सेम प्रोसेस है। जैसे मैंने मेरी आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यहाँ से अपने को लॉगिन होना है। लॉगिन होने पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका टैब खुल जाएगा, यहाँ पर आपका वेलकम आ जाएगा और आपका आईडी है वो आ जाएगा, डेट समय आ जाएगा, उसके बाद में अन्य जानकारी जो आपने कब इसको सक्सेसफुल लॉगिन किया है या बाद में जो भी पासवर्ड वगैरह कब चेंज किया वो सभी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। सर्वप्रथम दोस्तों अपने को यहाँ पर बजट हेड के बारे में समझना है कि आपका बजट हेड कौन सा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आदेश आया है उसके अंतर्गत आप राज्य भविष्य निधि का जो 8009-01-101-03 GPF 2004 वाला हेड है इसमें पैसा जमा करना है, तो इसके लिए ये हेड सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर है जो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट मैपिंग है इस पर आपको जाना है। जैसे इस पर गए आप यहाँ से डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहां से बजट हेड से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि 8009 अपन डाल के सर्च करते हैं तो यहां पर आ सकती है जानकारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविजन फंड डिपार्टमेंट SI-HPF, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आपने क्लिक किया तो आपका कौन सा हेड, राज्य भविष्य निधि का अपना हेड है, ये मेजर हेड आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8009-01-101-003-00 GPF 2004 ये है जो इसमें अपने को पैसा जमा करना, ये अपना हेड है। अब आप जानकारी के लिए इस हेड को लेकर के भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से फिर से होम पेज में आना है। होम पेज में आके आने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोफाइल है, जो सालान के लिए प्रोफाइल है उसको जनरेट करना है सर्वप्रथम। तो प्रोफाइल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई प्रोफाइल बनाई थी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन क्रिएट प्रोफाइल पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर गए तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है सर्वप्रथम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट अपना है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आके आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि ये आ चुका है, हमने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है वो आप फॉलो भी कर सकते हैं, इसको आप रीड कर दें। उसके बाद में अपने को मेजर हेड है जो सेलेक्ट करना है,
मेजर हेड अपना राज्य भविष्य निधि है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ नीचे हेड भी आ जाएंगे, यहाँ पर हेड GPF 2004 का अपना आंसू का, इसको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल नेम देना है, आपने जो भी प्रोफाइल क्रिएट की इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, हो सकता है आपका खुद का नाम भी यहाँ दे सकते हैं, या फिर NPS रिकवरी ऐसा कोई करके आपने को नाम देना है, या अपना स्वयं का नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये सिर्फ इस जो आप चालान बना रहे हैं इसके लिए है। उसके बाद में यहाँ पर एयर सेलेक्ट करना, और यहाँ से आपको जो एयर दिख रहा है इस पर एयरों पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे 8901-101-03-00 GPF 2004 ये हेड है, इसको सेलेक्ट करना है। यही हेड आप देख पा रहे हैं इस दोस्तों, इसके अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपने को आदेश मिला है 6 सितंबर को। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास में पॉपअप आ जाएगा, आपका प्रोफाइल है जो क्रिएट हो चुका है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में आपको एक बार होम पर क्लिक कर दें, वहाँ से बैक आ जाएं, और यहाँ पर होम पर क्लिक करें, फिर आपको प्रोफाइल यहाँ से सेलेक्ट करनी जो अभी अपने प्रोफाइल बनाई है, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ई चालान जनरेट करेंगे अपन, तो यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करने का, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रोफाइल नेम जो अपने पहले डाला था वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका ऑफिस नेम डालना है, यहाँ पर ऑफिस नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप डिपार्टमेंट नेम अपने आप आ जाता है, फिर आपकी ट्रेजरी आ जाएगी। और अगर कार्मिक अपना खुद का पैन कार्ड नंबर डाल सकता है, यहाँ पर अपने को पैन कार्ड नंबर डालना है जो स्वयं का ही हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अभी बहुत सारे कर्मचारी संघों के द्वारा मांग की जा रही है गवर्नमेंट से कि जो आदेश किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने NPS का जो रिकवरी का, वो उसको निष्कासित किया जाए या उसको डिलीट किया जाए। इसलिए आप अभी थोड़ा समय ले सकते हैं इसको पैसा जमा करवाने में, हो सकता है गवर्नमेंट आपके जो कर्मचारी संघ है उसकी मांग है जो मान सकता है, तो इसलिए आप कुछ समय तक वेट भी कर सकते हैं। वरना फिर आपको अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 31 दिसंबर का टाइम दिया गया है और आपको 4 किस्तों में जमा करवाना है। हो सकता है आप 1 किस्त में कर सकते हैं, 2 किस्त में कर सकते हैं, मगर अधिकतम 4 किस्तों में जमा करवाना है, तो आप कुछ समय भी ले सकते हैं। यहाँ पर अपने को पैन नंबर दर्ज करना है। पैन नंबर दर्ज करने के बाद में आपका फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ईयरली टाइम पीरियड। उसके बाद में यहाँ पर को पीरियड सेलेक्ट करना, आप कैसे करना चाहते हैं जमा, जैसे एनुअली करना चाहते हैं या फियरली, मंथली, क्वार्टरली या वन टाइम में, तो आप एनुअली कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका अमाउंट कितना है वो यहाँ पर डालना है, कि आपने NPS की जो राशि थी वो कितनी आपको मिली है, उस NPS राशि को यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको कोई पॉइंटों में राशि मिली है तो आप 1 रुपया प्लस करके भी राउंड में जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ राशि दर्ज कर दी है तो यहाँ पर ऑटो राशि आ जाती है टोटलिंग। उसके बाद में यहाँ डिस्काउंट वगैरह किसी तरह का नहीं है, तो आपको यहाँ पर 0 ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो वर्ष इन वर्ष में भी आ जाएगा, और आपको यहाँ PD अकाउंट या विजिंग कोड है जो वो सेलेक्ट, आपको इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको पेमेंट है वो किस मोड से करना है। सर्वप्रथम दोस्तों आपको बताऊँ, अगर आप ऑफलाइन मोड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मैनुअल सर्च करना है, और मैनुअल पर टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कैश में करना है या चेक में करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आप किस बैंक से करना चाहते हैं, SBI है, PNB है, CBI है, वो आपको जो भी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर और अन्य जानकारी जो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई उससे में आई है वो सभी जानकारी आ जाती है, मोबाइल नंबर वगैरह। और यहाँ पर आपको रिमार्क देना ज़रूरी है कि आपने राशि है जो किस के अंतर्गत जमा कराई, क्या राशि जमा कराई, वो जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कंपनी एम्प्लॉयी भी दे सकते हैं, अपना डाटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। रिमार्क ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं ई बैंकिंग के माध्यम से, तो ई बैंकिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो कौन सा बैंक है वो सेलेक्ट करना है और आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में आप पेमेंट गेटवे या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आपको PNB और EPA के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, इसकी आपको GST वगैरह है जो भी ट्रांजैक्शन शुल्क है वो लगता है। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो PNB के अंतर्गत किसी भी तरह का नेट बैंकिंग चार्ज नहीं है, अन्य EPA चार्ज है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट डाला है 25% विड्रॉल अमाउंट ऑफ NPS डिपॉजिट बैक, यानी NPS की जो वापस राशि 25% है वो जमा कराई है। आपका नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपका, उसके बाद में यहाँ पर अपना NPS नंबर भी दे सकते हैं, अपना ID भी दे सकते हैं, आपका नाम है, आपका जो ऑफिस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा।
देख पा रहे दोस्तों, अपना चालान जनरेट हो चुका है और यहाँ से आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों डाउनलोड करेंगे, आपके 3 पेज में चालान है जो कंप्लीट रूप से डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर चालान अपना डाउनलोड हो चुका है, आप अपन बैंक में जाके इस चालान को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू।